चौधरी छोटूराम अमर रहे, चौधरी छोटूराम अमर रहे, ताऊ देवलाल अमर रहे, ताऊ देवलाल अमर रहे, चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद। आज के चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस पे उपस्थित सभी महानुभाव देवियों और सज्जनों, आज हमारे बीच में देश के सिर्फ पंजाब हरियाणा या उत्तरी भारत के नहीं बल्कि सारे देश के सबसे सीनियर वरिष्ठ और सबसे उम्रदराज प्रकाश सिंह जी बादल जो हमारे बीच में हैं, मैं जींद जिले का होने के नाते आपका हृदय से स्वागत करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि आप यहां आए। हमारे बीच में अभी फारूक अब्दुल्ला साहब बोल के गए हैं, वो भी वरिष्ठ नेताओं में हैं, और ओम प्रकाश चौटाला जी जिन्होंने इस कार्यक्रम को जींद की धरती पे जिसका आयोजन किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने जींद को छांटा इस काम के लिए। मेरे बहुत ही पुराने साथी भाई जगमीत बराड़, हम दोनों लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, अब ये अकाली दल में हैं और मैं बीजेपी में हूं। मेरे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित और इस कार्यक्रम के संयोजक भाई अभय चौटाला जी, और वैसे एक मेरी सलाह है, देवीलाल जी ने कभी चौटाला नहीं लिखा, छोटू राम जी ने कभी गढ़ी सांपला नहीं लिखा, चौधरी चरण सिंह ने कभी अपना गांव नहीं लिखा, और तीनों इतने महान और इतने बड़े नेता हुए हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी, आपकी गिनती आज हमारे समाज में, राजनीति में एक वरिष्ठ और हमारे बड़े बुजुर्ग नेता के तौर पे होती है। आप चौटाला लिखो ना लिखो, ओम प्रकाश नाम जब लिया जाएगा तो पहले ये सोचेंगे ओम प्रकाश। वैसे तो ओम प्रकाश नाम बहुत हैं, लेकिन इन्होंने हरियाणा की राजनीति में अपनी एक जगह बनाई। हरियाणा की राजनीति हमेशा चौधरी देवीलाल जो एक कर्मठ और एक ऐसे नेता थे जिन्होंने इस गांव के समाज को लड़ने का, संघर्ष करने का, अपने अधिकारों को मांगने का, लड़ाई के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से एक रास्ता दिखाया था जिस पे आज भी हरियाणा चल रहा है। और ये रास्ता सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं, आज ये देशव्यापी रास्ता है। किसानों के अधिकारों की बात हो, नौजवानों के भविष्य की बात हो, और महिलाओं की, इनके अधिकारों की बात हो, इन अधिकारों को देश की आजादी से पहले किसान ने तो यह समझ लिया था कि भगवान ने ऊपर से उतार तो दिया, पैदा तो हो गया, लेकिन यूं ही घुट घुट के मर जाना है। उसकी आत्मा में एक संकोच पैदा हो गया कि मेरा तो कोई समाज में जगह ही नहीं है। उस वक्त दीन बंधु छोटू राम जी ने उस किसान को झकझोरा
उसका मेरे वर्क को झकझोरा और उसको कहा, नहीं तुम बेचारा नहीं है, मैं तेरे को राज का मालिक बनाऊंगा, तू लड़, तू उठ और तू अपने काम में किसी की परवाह मत, भगवान तेरे ऊपर है, तुझे हमेशा कामयाबी मिलेगी। इस चीज को पैदा किया आज से 100 साल पहले उस महापुरुष ने और उस काम को आगे बढ़ाया चौधरी देवीलाल ने। और आज जो संघर्ष की बात है, वो संघर्ष एक दिन में पैदा नहीं होता, एक महीने, एक साल, 10 साल में पैदा नहीं होता, संघर्ष के लिए सदियां लग जाती हैं। मैंने 1977-78 में पहली बार जब मैं एमएलए बन के गया, मैंने अकाली दल का एक हरियाणा विधानसभा के सामने अकाली दल का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम विधानसभा का घेराव करने का था, मैंने उसको ऊपर से देखा 4th फ्लोर पे हरियाणा सेक्रेटरिएट से के बादल साहब बीच में चल रहे हैं और सैकड़ों कार्यकर्ता पुलिस की लाठियों को अपने हाथों पे ले रहे हैं, अपने हाथों पे ले रहे हैं, यह है संघर्ष की निशानी। और इसलिए देवीलाल जी ने जो किया वो भारत के इतिहास में एक और बात भी मान कि अगर कुर्बानी करने की बात आती है तो वो भी देवीलाल जी से आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। आज तो लोग गांव की सरपंची के लिए, जिला परिषद की मेंबरी के लिए, एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए मर्यादित राजनीति को भूल जाते हैं और यह देखते हैं कि हमें कैसे मिले। लेकिन प्रधानमंत्री का सरपंच अपनी सरपंच नहीं छोड़ता, प्रधानमंत्री का पद त्याग करना ये उस महान व्यक्ति की एक कुर्बानी की मिसाल है। मैं तो आपसे यह कहूंगा कि जितना योगदान इस समाज को जगाने में आदरणीय देवीलाल जी का रहा है, वो आपके अंदर एक ताकत, एक ऊर्जा बढ़ा के छोड़ के गया। उन्होंने ये कहा है कि संघर्ष एक रास्ता है जिसके साथ, संघर्ष में कई बार ये जरूर होता है नेतृत्व की कमी हो जाती है, लीडरशिप नहीं मिलती। जब कांग्रेस पार्टी बनी थी तो जब तक महात्मा गांधी देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए आगे नहीं आए, 60 साल तक कांग्रेस पार्टी रही, लेकिन आजादी की लड़ाई अगर लड़ी तो महात्मा गांधी के आने के बाद। क्यों? क्योंकि देश की जनता ने सोचा यह है नेता, ये लेके जाएगा अंग्रेज को बाहर और हमें आजादी मिलेगी। इसी प्रकार से 1975-76 में जब नौजवानों की क्रांति हुई, जिसको संपूर्ण क्रांति बोलते हैं, जिसमें सारी कांग्रेस का सफाया हो गया था, उसमें लीडरशिप, उसमें लीडर उभर के आए जयप्रकाश नारायण, और देश की जनता ने यह कहा कि यह है आदमी, इसके साथ जुड़ो कामयाबी मिलेगी, देश को एक नई व्यवस्था मिली। इसी प्रकार से चौधरी देवीलाल ने आंदोलन तो बहुत हुए, लेकिन उन आंदोलनों में सबसे बड़ा जो आंदोलन हुआ वो न्याय युद्ध का था। वो कामयाब क्यों हुआ? क्योंकि एक
देवीलाल जी के रूप में एक नेता सामने आया, लोगों ने कहा इसके साथ लग जाओ, 36 बिरादरी उनके साथ लग गई, वो आंदोलन सफल। आज भी जिस आस में आप और हमें, आज मैं आपको ये बोल के जा रहा हूं, मेरे शब्द लिखना, जसमीत जगमीत बलहार से मेरी बात अभी हो रही थी, आज किसान के अधिकारों की जो लड़ाई है उस लड़ाई को भी कोई देवता आएगा, कोई ऐसा पल आएगा, कोई ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि किसान भी ये कहेगा कि ये है, लग जाओ सब इसके साथ और वो कामयाबी मिलेगी। ये लड़ाई मैं इसलिए कहता हूं कि आज से 30 साल पहले आर्थिक सुधारों का युग आया था नरसिम्ह राव जी के समय में, और ये कह रहे थे कि आर्थिक सुधारों में देश धनवान बन जाएगा। देश तो धनवान, देश के लोग तो आप अखबारों में भी पढ़ते होंगे, 4 साल पहले आया कि 312 लोग करोड़पति बन गए और 34 लोग अरबपति बन गए, 2 साल पहले आया कि 700 लोग करोड़पति बन गए, लेकिन गरीब कमेरा शोषित दलित और ये किसान जिसने कोरोना के समय में भी इस देश के अन्न भंडारण में पहले से ज्यादा भंडारण करके दिखाया, इस देश का किसान जो दुनिया में दूसरे देशों में हमारा अन्न और अन्न से बने सामान जाते हैं उसमें बढ़ोतरी दिखाई, लेकिन उसमें से कोई करोड़पति नहीं बना, उसमें से कोई अरबपति नहीं बना। ये लड़ाई इस बात की है, आज लड़ाई इस बात की है कि ये देश की दौलत धन संपदा सोना चांदी हीरे जवाहरात इस पे कुछ लोगों का कब्जा है, इसमें किसान क्यों नहीं आता, इसमें कमेरा वर्ग क्यों नहीं आता, क्यों नहीं उसको सम्मान मिलता। जिस दिन इस देश का आदमी यह समझने लगेगा कि मैं भी इस देश का नागरिक हूं, मेरे को तो सम्मान नहीं, मेरी आर्थिक अवस्था तो बड़ी नहीं, तो भाई फिर आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ परिवर्तन आया। मेरी एक सोच है, जमाना बदल रहा है, पहले जिसको हम प्रजातंत्र कहते थे जिसमें 51 वोट ले गया, 49 वाला खारिज 51 वाला आगे, अब ऐसा समय आएगा, मैं आज आपको बोल के जा रहा हूं कि जिस इंसान के साथ, जिस नेता के साथ और जिस व्यवस्था के साथ 80-85% लोग नहीं जुटेंगे वो प्रजातंत्र नहीं, एक नए प्रजातंत्र का उदय होगा, और ऐसा प्रजातंत्र जिससे कि देश के लोगों में यह संदेश जाएगा कि यह है प्रजातंत्र जिसमें हमारा भी हिस्सा है, हम भी उसके अंदर हैं। तो ऐसी व्यवस्था को कायम करने के लिए आपके प्रयास अगर रहेंगे तो आप आगे बढ़ोगे, और व्यवस्था को खराब करना हो तो जाति पाति को लड़ा दो। हरियाणा के अंदर ऐसी बात चले कि हरियाणा में हमारे जो पुराने संस्कार हैं, पुरानी सभ्यता है, हमारे को बांटने की कोई कोशिश करे, मैं आज आपके बीच में कह के जा रहा हूं, ऐसी ताकतों का मुंह तोड़ जवाब देना है, हमारे भाईचारे को कोई खराब नहीं कर सकता, अगर करेगा तो उसको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए आज देवीलाल जी के चरणों में मैं जहां अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, मैं ये कहता हूं कि मेरे को पहली बार चौटाला जी ने निमंत्रण दिया कि बीरेंद्र राणा भाई, इनको यह था कि शायद वो बीजेपी में बिरानी आओगा कि नहीं आओगा, हाँ
मेरे लिए देवीलाल जी, मैं जानता हूं, मैं 1977 में एमएलए बना और पहली बार जब उनसे मिला तो मेरे को कहते हैं, बोल वीरेंद्र तेरे को क्या चाहिए। मैं तो कांग्रेस में था, मैंने कहा जी मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ने बोला नहीं, तू तेरे रगों में दीन बंधु का खून है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि मेरे संरक्षण में तू राजनीति में ईमानदारी से और राजनीति के अंदर सच बोल के मूल्यों की राजनीति करके आगे बढ़े। इससे बड़ा सम्मान, इससे बड़ा आशीर्वाद देवीलाल जी ने मुझे दिया। मैं आगे भी, आप मेरे को बुलाओगे तो जरूर आऊंगा, नहीं बुलाओगे तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। और ये जो उनकी देन है, ये देन, मैं कोई मुझे कहे कि भाई तू इतना रह लिया, पीछे क्यों नहीं कमाए, जी तो मेरा भी करा करता। लेकिन एक बात ध्यान में आती थी कि देवीलाल जी के वो शब्द और फिर छोटू राम जी की विरासत। मैंने कहा लोग क्या कहेंगे अगर मैं डूब गया तो इसलिए बड़े महापुरुषों से हमें प्रेरणा मिलती है, संदेश मिलता है और उनके करे हुए कामों को देखे हम आगे बढ़ते हैं, तभी हम कहेंगे कि इस देश के अंदर एक नई राजनीतिक व्यवस्था जिसमें 80-85% लोग एक ही विचार के साथ आगे बढ़े ताकि देश आगे बढ़े, उसमें बंटवारा ना। तो मैं आपसे विदा लेते हुए एक बात कहूंगा, देखिए मैं किसान और किसानी का आज संघर्ष, लोग नारा लगाते हैं भारत माता की जय, मैं 3 नारे लगवाऊंगा। मैं ये कहूंगा कि धरती माता की जय, भारत माता की जय तो है ही, लेकिन आज हरियाणा से जितने भाई आए हुए हैं सबको मैं ये कहूंगा, मैं बोलूंगा धरती माता की आपने जय बोलना है, धरती माता की, धरती माता की, भारत माता की। इन शब्दों के साथ मैं फिर चौटाला साहब का बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझे मौका दिया और मुझे यहां बुलाया। धन्यवाद, जय हिंद।